चिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। ओए, ए कौन है? खोलना। मंकी ब्रिगेड की चीफ है, अपने अबू बाबा की खास एडवाइजर, एमडी खन्ना की बेटी। एमडी खन्ना जी? पर वो तो गधे जैसा लगता है। लेकिन इसकी माँ, ओए होए 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 सर जी। ए, देख तू अंदर नहीं आ सकती। हाँ मैं अंदर आ चुका हूँ। ओए तेरी यहाँ दाल गलने वाली नहीं है। हाँ सर जी छुप जाइए, सब कुछ दिख जाएगा, बचाइए अपने आप को। क्या दिख जाएगा? इस चश्मे से सब कुछ दिखाई देता है, कपड़े के भीतर तक दिखाई देता है। बेवकूफ। ए पायल पांडे चुप। मैं नहीं मानता। मत मान। ओ क्या मैं तिल बटते तिल, ये तो मैंने भी नहीं पता है। ए चश्मा उतार। चश्मा उतार। दरोगा जी तो गया। चश्मा उतार। इसका भी दिखता है। वो चलता है। तू 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 चश्मा उतार। आगे है ना? कहाँ जा रहा है? अरे पीछे। आगे आना। पीछे। आगे आना। हमको तो इस चश्मे में से ऐसा कभी नहीं देखा। इसने देखने के लिए कुछ होना तो चाहिए ना। क्यों पहलवान? बच्चों पर रोब जमाता है और अब लंगोट छिपाता है। बारह बारह कैसी लड़की है ये? पीछे जाना। कब तक छिपेगा खंबे की आड़ में? कभी तो आएगा भिंडी बाजार में। ए, देख आना। ए, देख पीछे हट। पीछे हट। आना बाबा। पीछे हट। आजा। पीछे हट। तोड़। एक और है मेरे पास। है? ए, ए, छोड़ मुझे। छोड़। No, sweet, no. क्या? उसके कुछ नहीं तो चलना। चल। पांडे को भेज दो। साहब पांडे फैक्ट्री गया है और अबू बाबा बोलता है जिसने चीफ का इन्हें सेलेक्ट किया है ना वो ही जाकर उसको लेकर आएगा। अबू बाबा भगवान के लिए लेकर आओ ना साहब। मिल गया मेडल। कैसे मिलता? आज भी सुना रह गया मेरा सीना। पता नहीं कौन सी घड़ी है तुम्हारे पास जो सपने का भी सही वक्त बताती है। अरे पांच मिनट लेट नहीं आ सकती थी? कितना बड़ा फंक्शन था, बड़े बड़े लोग थे वहां पर। अब उन बिचारों को कल तक वेट करना पड़ेगा। रब तुझे संभाले, शर्म कर।
कुछ तो शर्म कर। शर्म करने से क्या होगा बीजी, काम करने को बोलो, काम करने को। 5 साल से राह देख रहा है सरकारी चिट्ठी की। अरे इसके यारों को ही ले लो, वो हरमिंदर एमए करके आया, पान की दुकान से कितना कमा रहा है। और वो करता रहा, पढ़ाई करके आया, गांव में टीचरी शुरू कर दी और वो जैसे ही कंपाउंडर बन गया। बीजी उन तीनों की जिंदगी का कोई मकसद है क्या? हरमिंदर शहर से क्यों भागा है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। करतार और जसी उन्होंने डिग्रियां इसलिए हासिल की ताकि उन्हें ढेर सारा दहेज मिल सके। हाँ हाँ। मैंने पढ़ाई की, पुलिस की ट्रेनिंग ली ताकि मैं देश की सेवा कर सकूं, लोगों का भला कर सकूं, छोटे बड़े सब मुजरिमों का खात्मा कर सकूं। पीजी देखना एक दिन मेरा ये सपना सच हो, लोग मुझे सलूट मारे, जहां से भी निकलूंगा नजारे ही नजारे होंगे। दूर निकाल पहले। हाँ जी। और राजवीर क्या है? आले बोला था ना मैंने, जाऊंगा मैं जाऊंगा बॉम्बे। जय हिंद सर। राजवीर सिंह फ्रॉम पटियाला रिपोर्टिंग सर। ओ राजवीर, पटियाले दा पट्ठा, स्ट्रांग मैन, हाउ आर यू? ठीक ठाक एंड फिट सर। गुड राजवीर, मैंने तुम्हें बहुत जरूरी काम से मुंबई बुलाया। मैं जानता हूँ सर, अंडरवर्ल्ड को अंडर कंट्रोल करने के लिए और माफिया को खत्म करने के लिए सर मैंने प्लानिंग शुरू कर दिया है। राजवीर हर पुलिस वाले में तुम्हारे जैसा जोश होना चाहिए। ये बच्चे की फोटो देखो। मैं जानता हूँ सर किडनैप कर लिया है ना सर, आप इसके लिए मुझे सिर्फ 12 घंटे दीजिए। मुजरिम जेल में होगा और बच्चा बाबा की गोदी में खेल रहा होगा। पर राजवीर जो मैं कह रहा हूँ पहले वो सुनो तुम। किडनैपिंग और रॉबरी जैसे क्राइम के लिए हमारे पास बहुत काबिल ऑफिसर हैं, इसके बारे में तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है। अब्बास नाम है इसका, एक हादसे में इसके माँ बाप की मौत हो चुकी है, इसकी सिक्योरिटी के लिए बुलाया गया है तुम्हें। इस बच्चे के साथ तुम्हें साए की तरह रहना होगा, एक एक पल इस पर नजर रखनी होगी और हर तरफ से इसका ख्याल रखना होगा। यूं समझ लो तुम्हें एक पुलिस ऑफिसर बनकर नहीं बल्कि एक बच्चा बनकर इसके साथ रहना होगा। मुझे उम्मीद है मैंने ये जिम्मेदारी तुम्हें सौंप कर जो यकीन किया है तुम उसे कभी तोड़ोगे नहीं। तोड़ तो तुमने मेरा दिल दिया है, पटियाला से मैं अफसर बनने आया था, आया बना दिया मुझे। राजवीर क्या सोच रहे हो? गो एंड स्टार्ट योर ड्यूटी। यस सर। जय हिंद सर। अबू बाबा, ए अबू बाबा, हमने मच्छी को मसाला लगा दिया है, आपको केवल फ्राई करना है, समझ गए ना हम क्या कह रहे हैं? हाँ अबू बाबा। आगे आगे लीजिए, फोन लीजिए, जरा जमा के कीजिएगा। हाँ। आ जाइए। हाँ यार वो स्कूल मेरा है, मैं उस चीज़ को टर्मिनेट करवा दूंगा। हाँ ओके। हाँ 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 ओके बाय। अबू बाबा, डीआईजी अंकल ने कहा था ना आपकी सिक्योरिटी के लिए। राजवीर सिंह फ्रॉम पटियाला। मैंने सोचा था कि डीआईजी अंकल कोई स्ट्रांग आदमी भेजेंगे। ये तो डीआईजी अंकल की जिद है, अदरवाइज आई डोंट नीड एनीबॉडी। क्यों डालदा, तुम्हें लगता है मुझ जैसे स्ट्रांग आदमी को किसी की जरूरत है? अरे नहीं नहीं, क्या बात कर रहे हैं बाबा, क्या मसल्स हैं आपके। नहीं नहीं बाबा, आपको किसी की जरूरत नहीं है इसलिए आपको रात को बाथरूम में जाने में डर लगता है। ये क्या कर रहा है, मेरी इंप्रेशन क्यों खराब कर रहा है? नीचे उतार, नीचे उतार, नीचे उतार। ये लो। अरे ठहरिए ठहरिए, बोलो हम करते हैं। पाइल पांडे। क्या हुआ? अरे पर बच्चे ने तो धीरे से मारा था, ये क्या हो गया आपको? आप नहीं समझेंगे सर, ये अंदर की बात है। बहुत दुख रहा है। आइए बैठिए। बैठिए। क्या हुआ? ये बहुत सेंसिटिव इशू है, कभी कभी तो बर्निंग इशू बन जाता है, आपको बता देता हूँ, टॉप सीक्रेट है। हाँ बताइए। एक्चुअली मेरा बैकग्राउंड बहुत दर्दनाक है। माँ की तरफ से या बाप की तरफ से?
नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? दरअसल इससे पहले मैं हैदराबाद के नवाब के यहाँ काम करता था। ओह, समझ गया। क्या समझे? नवाब साहब बड़े शौकीन मिजाज के। नहीं नहीं नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। दरअसल नवाब साहब को मिर्ची खाने का बहुत शौक था। वो खुद भी मिर्ची खाते थे और मुझे भी मिर्ची खिलाते थे। मिर्ची खाते खाते ऊपर की मिर्ची नीचे कब लग गई पता ही नहीं चला और मेरा बैकग्राउंड दर्दनाक हो गया। अब तो आप मेरी तकलीफ समझ रहे हैं ना। आइए मैं आपको आपका कमरा दिखाता हूं। हेलो हेलो राजवीर। यस सर। तुमसे यही उम्मीद थी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम अपनी ड्यूटी एकदम ठीक से कर रहे हो ना? यस सर। वेरी गुड राजवीर। हरदम आंखें खुली और कान चौकन्ने रखना और याद रखना सुराग कहीं भी और कभी भी मिल सकता है। बूंद बूंद से समुद्र बनता है, इसलिए छोटी सी छोटी चीज पर बारीकी से नजर रखना। हाँ सर, बूंद बूंद पर ही नजर रख रहा हूँ सर।